सही तरीके से पैसा नहीं दे पा रहा है वो फार्मर की वो ज़मीनें जब्त करने लग जाएगा। और ऐसा हमने बहुत सारी फिल्मों के अंदर देखा है। इस तरीके से जो ज़मींदार होते थे वो परमानेंट पैसे तो दिया करते थे लेकिन कहीं कहीं वो क्रूर भी थे। जो अब यहाँ पे अंग्रेज़ों से पहले, ब्रिटिशर से पहले बंगाल के अंदर जो ज़मींदार होते थे, वो बिहार के ज़मींदार, उड़ीसा के ज़मींदार, वो उस टाइम पीरियड पर मुग़लों के लिए काम करते थे। और मुग़लों ने ही अपना रिप्रेजेंटेटिव दीवानी जो था वो मुग़लों ने वो बंगाल के ज़मींदारों को सौंप रखा। सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज़ विजय। दोस्तों आज हम वीडियो लेक्चर सीरीज में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1793 के बारे में देखने जा रहे हैं। क्या आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत सरकार के ऊपर एक बार परमानेंट सेटलमेंट लागू करा गया था? और परमानेंट सेटलमेंट किस तरीके से अच्छा था, फ़ायदा था, बुरा था, लोगों के लिए फ़ायदेमंद था या नहीं, सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सॉरी सब कुछ हम इस वीडियो के लेक्चर सीरीज़ में आप सभी लोगों से बातचीत करेंगे। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ के अंदर परमानेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें। अगर आप लोग क्लास 12 की हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप क्लास 12 की हिस्ट्री को कम्प्लीटली ज़रूर पढ़ें हमारे साथ ई पाठशाला पे। और साथ में ईपी फैमिली आपको नोट्स प्रोवाइड करवाता है, तो नोट्स आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स के साथ आपको फ़ायदा ये होगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों को पूरी तरीके से जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ईपी फैमिली टेलीग्राम अकाउंट में मिल जाती है। आप अगर हमारे साथ ई पाठशाला पे जुड़े हुए हैं तो ई पाठशाला पे ज़रूर जुड़ेगा, क्योंकि ई पाठशाला का अकाउंट आप सभी लोगों को नए तरीके से क्या कहते हैं पूरी तरीके से मोटिवेट करता रहता है। सो आइए बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम के बारे में। देखो भारत के अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू देने की कोशिश करूँ और थोड़ा सा आपको हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूँ तो आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आपने बस इतना समझ लेना है कि भारत के अंदर 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी के युद्ध के बाद आप अगर देखेंगे तो अंग्रेज़ों ने कहीं ना कहीं बंगाल के काफ़ी हिस्से को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद 1764 के अंदर फिर बक्सर का युद्ध हुआ था, और बक्सर के बाद तो बंगाल की दीवानी जो थी पूरी तरीके से अंग्रेज़ों के पास आ चुकी थी। उसके बाद 1857 के अंदर ऑफकोर्स विद्रोह जो हुआ था मंगल पांडे वाला, और उसके बाद तो पूरा का पूरा भारत अंग्रेज़ों के अंडर में आ गया। भारत के अंदर अंग्रेज़ों का मेन मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को इकट्ठा करना, इसलिए समय समय पर भारत के अंदर अलग अलग तरीके के रेवेन्यू सिस्टम इनकम बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने इंट्रोड्यूस करे। नंबर वन था परमानेंट सेटलमेंट, जिसको 1793 में लॉर्ड कॉर्नवेल्स के द्वारा सही तरीके से इम्प्लीमेंट करा गया। उसके बाद रैयतवाड़ी सेटलमेंट, उसके बाद महारवाड़ी सेटलमेंट, एवरीथिंग वी विल डिस्कस, लेकिन आज हम सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर सीरीज परमानेंट सेटलमेंट के बारे में डीपली होने वाली है। तो परमानेंट सेटलमेंट के बारे में क्या बताया गया? परमानेंट सेटलमेंट के बारे में सिंपल सा ही बताया गया कि भारत के अंदर जैसे ही अंग्रेज आते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि भारत में अंग्रेजों से पहले मुगलों का शासन था। ये वीडियो लेक्चर सीरीज यूपीएससी के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इस चीज़ को समझ रहे हैं पढ़ रहे हैं वो देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है चीज़ों को समझना। ये सारी की सारी ज़मीनें हैं, ये सारी की सारी ज़मीनें हैं, लेकिन यहाँ पे 10 एकड़ की ज़मीन पे कोई ज़मींदार जो है वो रहता है, और ये ज़मींदार जो है उसका मेन मकसद ये है कि अपनी ज़मीन का जो भी रेवेन्यू होता है वो ऑफकोर्स मुग़ल को तो देगा ही देगा। भाई ऐसा तो नहीं है कि मुग़ल जो है वो ज़मीन का पैसा नहीं लेगा, ऑफकोर्स लेगा। अब मान लेते हैं कि इस इलाके के अंदर एक ज़मींदार रहता है, लेकिन पूरे इलाके के अंदर यहाँ पे किसी मुग़ल राजा का शासन है, किसी मुग़ल राजा का जो है वो शासन है, ठीक है, मुग़ल राजा का शासन है। अब उसका मेन मकसद है कि इस पूरे इलाके के अंदर से टैक्स लेना। अब राजा जो होता है ना वो हर जगह हर बार किसी से बातचीत नहीं करेगा, वो रेवेन्यू इकट्ठा नहीं करेगा, हर बार उसके पास इतना समय नहीं कि हर किसी के घर जाए। तो राजा क्या करेगा, राजा इस पूरी ज़मीन के ऊपर जो सबसे अमीर आदमी, सबसे ज़्यादा जागीर रखने वाला व्यक्ति, सबसे बड़ा ज़मींदार व्यक्ति जो भी होगा उसको एक ज़मींदारी सिस्टम सौंप दे देगा, और ये कहेगा कि भाई तेरी ये ज़मींदारी ये है, लेकिन मैं तेरे को ये पूरा प्लेस दे रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी 100, 200, 500 लोग रहते हैं उनकी जो भी ज़मीन है उस ज़मीन का पूरा जो भी टैक्स आता है वो तो मुझे पहुँचाता रहे। यानी कि ज़मींदार जो थे अब उस समय मुग़लों के लिए काम करते थे, ये ज़मींदार मुग़लों के लिए काम करते थे,
आज़ाद भारत में, जब अंग्रेज, मतलब जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब के टाइम पीरियड में। तो यही बता कि आपको कोशिश कर रहा हूँ मैं कि जमींदार जो होते थे बंगाल के, उड़ीसा के, बिहार के, उस समय वो मुगलों के रिप्रेजेंटेटिव होते थे और मुगलों को टैक्स ला के इकट्ठा करके दिया करते थे। हालांकि ऐसा नहीं कि सारी ज़मीनें उनकी है, ज़मीनें छोटे मोटे किसानों की भी है। अब यहाँ पे मुगलों का टाइम पीरियड ख़त्म होता है और अगर आप देखो तो बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 के अंदर। इससे पहले बैटल ऑफ प्लासी हो जाता है, मैंने आपको बताया। और उसके बाद अगर आप देखते हो, कंपनी जो है पूरी तरीके से ग्रांट कर देती है दीवानी किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को वेस्ट बंगाल का हिस्सा मिल गया और वहां से पैसा उठाने का काम जो है कंपनी करेगी। अब कंपनी ने शुरुआती समय से पूछा कि यार ज्यादा से ज्यादा जमीनों से पैसा कैसे निकाला जाए। उसका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो आप समझ लीजिए, कंपनी का मेन काम पैसा कमाना, कंपनी का मेन काम है पैसा कमाना, वो किसी भी तरीके से कमाए। यहाँ पर वॉरन हेस्टिंग पहला बंदा, वॉरन हेस्टिंग ने कोशिश करा कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए जाए 5 सालों के लिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर थोड़ा बहुत इजाफा हो सके, हायर रेवेन्यू मिल सके कंपनी को। और कंपनी ने सबसे पहले परमानेंट सेटलमेंट को 5 साल के लिए सही तरीके से लागू करने की शुरुआत करी। वॉरन हेस्टिंग ने पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करा, लेकिन यहाँ पर वॉरन हेस्टिंग के बाद आता है कौन, वॉरन हेस्टिंग के बाद आता है यहाँ पे आपका लॉर्ड कॉर्नवेल्स। लॉर्ड कॉर्नवेल्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत बड़ा अधिकारी, उसने कहा कि डायरेक्टली किसानों से ले पाना कलेक्शन टैक्स का, वो बहुत मुश्किल है किसानों से। इसीलिए कंपनी क्या करेगी, कंपनी किसी एक को एक ऐसा अरेंजमेंट सौंपेगी जमींदारों को, जो टैक्स इकट्ठा करके परमानेंटली उन्हें देता रहेगा। और इसे ही लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने परमानेंट सेटलमेंट का नाम दिया। मतलब कि जो चीज़ जमींदार पहले मुगलों के लिए किया करते थे, अब वही जमींदार मुगलों का शासन हटा के यहाँ पे ये हो गए अंग्रेजी सिपाही, ये हो गए अंग्रेजी सिपाही, ये हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अब जमींदार जो होंगे, जैसे मुगलों के लिए काम करते थे, अब वो पहले किसके लिए काम करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और उसी सेम तरीके से ऑफकोर्स उनकी ज़मींदारी होती थी, उनको हिस्सा दे दिया जाता था, आपको यहाँ से लैंड रेवेन्यू इकट्ठा करके हमें देना है, अगर आप इकट्ठा करके नहीं दे पाते हैं तो आपकी ही खुद की ज़मींदारी या आपकी प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी जाएगी। सिंपल सा है, बहुत ईजी है, ऐसा हमने समझना है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस परमानेंट सेटलमेंट का उस टाइम पीरियड पे जो ब्रिटिश के पीएम जो होते हैं विलियम पीट करके, उनके निगरानी में इस सिस्टम को बनाया जाता है। और अगर आप देखो तो परमानेंट सेटलमेंट 1786 के अंदर, मतलब शुरुआत कर दी जाती है, लेकिन ये इफेक्ट में जब आता है तो इफेक्ट में ये 1793 के अंदर जाके इफेक्ट में आ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, टाइमलाइन में मैं बहुत डीपली बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट क्या हुआ, परमानेंट सेटलमेंट आ गया, एक एक्ट में आ गया। अब एक एक्ट में आने की वजह से क्या हो जाएगा, एक एक्ट में आने की वजह से अब ये पूरी तरीके से पूरे के पूरे जमींदारों पे लागू हो जाएगा। अब दोस्तों इसके फीचर्स परमानेंट सेटलमेंट के क्या हैं समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। लैंडलॉर्ड्स जमींदार रिकॉग्नाइज द ऑनर ऑफ द लैंड, मतलब कि इस पूरी ज़मीन के अब वो एक तरीके से ऑनर हो गए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी की ज़मीन कब्जा सकते हैं भाई। यहाँ पे मान लो जो ए नाम का कोई किसान है रहता है, तो यहाँ पे अगर वो टैक्स देगा तो किसी ज़मींदार को ही देगा, क्योंकि वो ज़मींदार वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा पहुँचाना होता है इसी वजह से। तो ये आप याद रखिएगा, अगर किसी ज़मींदारी को किसी ज़मींदार को अगर इतना बड़ा ज़मीन का पट्टा दे दिया गया है, तो वो ऐसा ये कर सकता है कि अपने मरने के बाद अपने बेटे को सौंप सकता है, ऐसा हो सकता है ये, क्योंकि जो परमानेंट होता था वो कई कई सालों के लिए होता था, कहीं 10 साल के लिए, कहीं 5 साल के लिए, कहीं 20 साल के लिए, कहीं 30 साल के लिए। इनकेस कोई ज़मींदार मर जाए तो उसके मरने के बाद वो अपनों हेरिडेटरी सिस्टम का मतलब यही होता है, वंशानुगत सिस्टम होता है, और ऑफकोर्स ये सिस्टम हुआ करता था। ये पहला इसका फीचर है, ये अच्छी बात है। द जमींदार कुड सेल एंड ट्रांसफर द लैंड एज दे विश, ऑफकोर्स कोई भी जमींदार ट्रांसफर कर सकता है लैंड को, और ऑफकोर्स कोई भी जमींदार जो है इसको सेल भी कर सकता है जमींदारी को। द अमाउंट टू बी पेड द लैंड लॉर्ड्स वॉज फिक्स, जो भी लैंड लॉर्ड को पैसा देना होता होगा, मान लीजिए कि इस पूरे इलाके से अंग्रेजों ने हिसाब लगा लिया कि 10,000 रुपये जो है उस टाइम पीरियड पे इस पूरे इलाके से आने चाहिए,
इस पूरे इलाके से आने चाहिए, तो ये अपनी ज़मीन से भी कुछ देगा, कुछ दूसरों की ज़मीनों से भी कुछ लेगा, और जो भी पैसा कलेक्ट होके जाएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। अब ऐसे में परमानेंट सेटलमेंट इसलिए परमानेंट हुआ, लेकिन ये भी कहा गया कि इन फ्यूचर इसको इंक्रीज करा जाएगा, क्योंकि जो रेट आज गेहूँ के हैं, क्या पता कल रेट गेहूँ के ना रहे, सिंपल सा है ना। तो इसीलिए अब देखिए कोशिश ये करी जाएगी कि जो भी यहाँ पे ज़मींदार होगा, ताल्लुकदार होगा, और उसके बाद जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देगा, उसका मेन काम है कि वहाँ पे कृषि समाज को, ट्रेड को, राज्य को काफ़ी अच्छा बनाते रहना। कंपनी को सिर्फ फिक्स रेवेन्यू से मतलब है, उसको रेगुलर इनकम मिलते रहना चाहिए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई किसान मर रहा है या कुछ भी हो रहा है। बस मेन काम यहाँ पे है राजा का, राजा भी कहीं कहीं राजा ही बोला गया, कहीं कहीं ताल्लुकदार बोला गया, कहीं कहीं तुल्लकदार बोला गया। इनका मेन काम ये होता था कि पूरी तरीके से अपने फिक्स रेवेन्यू अपने स्टेट से निकाले, और उसके बाद क्या कहते हैं, जितना अंग्रेजों ने बोला हुआ है उतना पैसा वो वहाँ पे पहुँचा दे। हाँ, ज़्यादा निकाल सकता है पैसा तो ऑफकोर्स वो उसका इंटरेस्ट होगा, क्योंकि भाई वो तो राजा के, उनके इनके लिए काम कर रहा है, ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहा है। ज़्यादा पैसे निकाल लेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फायदा होगा और ज़मींदार को भी फायदा होगा। इसके मेरिट्स ये बताते हैं, क्या कहते हैं, ज़मींदार जो होता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ द फार्मर फॉल अपॉन द शोल्डर ऑफ इंडियन लैंडलॉर्ड्स, बींग सन ऑफ सॉइल दे कुड रीच द फार कॉर्नर एंड द रीजन एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड द लोकल कस्टम वेरी वेल। इसके मेरिट्स ये भी हो गए कि भाई वो लोकल लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है वो सुन सकता है, अंग्रेजों को उससे कोई लेने देना नहीं है। और ज़मींदार कोशिश करेगा अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कि ज़मींदारी अच्छी बनी रहे, ज़मीन अच्छी फर्टिलाइज होती रहे, और जितना ज़्यादा ज़मीन अच्छी फर्टिलाइज होती रहेगी ज़मींदारों को पैसा भी उतना मिलता रहेगा। लेकिन डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स ये कि अगर कोई भी ज़मींदार अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से अपने लोगों की और अपने किसानों की और ज़मीनों को ख्याल रखेगा, लेकिन अगर कोई ज़मींदार बहुत बुरा है तो ऑफकोर्स फार्मर की कंडीशन उतनी ही बुरी हो जाएगी, और वो जानबूझ के जो फार्मर सही तरीके से पैसा नहीं दे पा रहा है वो फार्मर की वो ज़मीनें जब्त करने लग जाएगा, और ऐसा हमने बहुत सारी फिल्मों के अंदर देखा है। इस तरीके से जो ज़मींदार होते थे वो परमानेंट पैसे तो दिया करते थे, लेकिन कहीं कहीं वो क्रूर भी थे। जो किसान पैसा नहीं देता था अपनी ज़मीनों का, उससे वो उसकी ज़मीनों पे साइन करवा लेते थे और वो ज़मीन खुद रख लिया करते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो उससे कोई मतलब नहीं है, अंग्रेज़ों को तो सिर्फ पैसा चाहिए, और यहाँ पे मीडिएटर जो है वो ज़मींदार है, और ज़मींदार कहीं ना कहीं अपने खुद की पावर का इस्तेमाल करके एक पूरे के पूरे साम्राज्य के अंदर एक लग्जरियस लाइफ जीते हैं, शानदार लाइफ जीते हैं, और हर कोई उन्हें वैल्यू दिया करता था। रेवेन्यू सबसे बुरी चीज़ ये थी कि ज़मींदारों के लिए कभी कभार रेवेन्यू रेट जो होता था वो बहुत बुरा हो जाता था, और बहुत बुरा होने की वजह से ज़मींदार जो होते थे वो कभी कभार पैसे नहीं दे पाते थे और डिफॉल्टर बन जाते थे। क्योंकि एक बार 1811 के अंदर ऐसा हुआ था कि बिना किसी लैंड सर्वे करने के बावजूद भी परमानेंट सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अंग्रेज़ों ने लोग बड़े बड़े ज़मींदारों से मांग लिया था, और इसी से उनकी ज़मींदारी जो है वो नीलाम हो गई थी। तो इसीलिए आप देखोगे कि राजा बर्दवान की ज़मींदारी 1793 के अंदर उनका पूरा महल बेच दिया गया था, ये बहुत सारी फिल्मों में इसके बारे में दिखाया गया है। नीलामी करते वक्त किस तरीके से ज़मींदार अपने महलों को बचाते हैं उसके ऊपर पूरी NCERT है कि खुद ज़मींदार क्यों फेल हो जाते थे रेवेन्यू देने में, क्यों जब उनकी ज़मींदारी नीलाम होती थी तो फिर उसके बाद कौन बोली लगाता था उनके नाम पर, और किस तरीके से ये पूरी स्टोरी हमें बताती है कि ईस्टर्न इंडिया में उस समय ज़मींदार किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हुआ करते थे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ज़मींदारी सिस्टम, दिस इज़ ऑल अबाउट इदमिस्तरारी बंदोबस्त, इसे स्थाई बंदोबस्त बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है, एंड आई होप दैट आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आप अगर इसके आगे की स्टोरी जानना चाहते हैं कि ज़मींदार डिफॉल्टर क्यों होते थे, तो आप सभी को बताऊं मैं क्लास 12 की आपको NCERT का चैप्टर पढ़ना चाहिए। पूरी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जाइए वॉच आउट करिए और देखिए पूरा लेक्चर। आई होप दैट दिस वीडियो वेरी यूजफुल फॉर यू। AP फैमिली पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है एंड तक बने रहने के लिए। दिस इज इन दिस वीडियो लेक्चर सीरीज, और मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगी।